मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के समक्ष कई कांग्रेस नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ली। छिंदवाड़ा कांग्रेस के पूर्व विधायक जनप्रतिनिधि एवं मुरैना कांग्रेस के पदाधिकारी और कांग्रेस स्वास्थ्य एवं चिकित्सा प्रकोष्ठ के नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। इन नेताओं का कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है। भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा और न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रदेश संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समक्ष बुधवार को चौराई विधानसभा के पूर्व विधायक और कांग्रेस के प्रदेश महासचिव चौधरी गंभीर सिंह, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष चंद्र चौरसिया, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सतीश मिश्रा, हरई जनपद अध्यक्ष कंचना उइके, चौराई नेता प्रतिपक्ष नगरपालिका अर्जुन रघुवंशी के साथ छिंदवाड़ा के तमाम कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल हुए। ये लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा में आए हैं। इस अवसर पर प्रदेश शासन के मंत्री अजय सिंह कंशाना, पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल, छिंदवाड़ा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू और मोनिका भट्टी उपस्थित रहे। कांग्रेस स्वास्थ्य एवं चिकित्सा प्रकोष्ठ प्रभारी डॉक्टर बसंत राय, ग्वालियर चंबल संभाग प्रभारी डॉक्टर सिद्धांत दुबे, शिवपुरी में चिकित्सा प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष डॉक्टर नीलेश शर्मा, चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर ऋचा तिवारी के साथ 50 से ज़्यादा लोग भाजपा में आए। मुरैना कांग्रेस कमेटी के पूर्व संभागीय प्रवक्ता सुबोध दुबे, पूर्व प्रदेश सचिव देवेंद्र मड़ोतिया, मुरैना जिला उपाध्यक्ष एवं महिला कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष शोभा शिवरे, महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष लक्ष्मी सोलंकी के साथ भी बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ली। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।